विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा और आईबी चीफ रहे मौजूद। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलएसी पर चीन के निर्माण पर दी नसीहत, कहा चीन से रणनीति के तहत निपटने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार, 2000 के नोट बदलने को लेकर दाखिल की गई है याचिका। पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से बृजभूषण की मुसीबत बढ़ी, इंटरनेशनल रेफरी ने बृजभूषण के खिलाफ दी गवाही। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी, सुप्रिया सुले ने दी जानकारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी में जनता को लुभाने में जुटे सीएम शिवराज, 125 करोड़ लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, खाते में आएंगे 1000 रुपए, जबलपुर में मुख्य कार्यक्रम। गुजरात में आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान, मोदी सरकार के 9 साल के काम गिनाएंगे नेता, कांग्रेस करेगी विरोध। जम्मू कश्मीर में लोगों को होगी परेशानी, बंद रहेगा श्रीनगर हाईवे, एनएच पर किया जाएगा मरम्मत का काम। उत्तराखंड में देरी से दस्तक देगा मॉनसून, आज आने की संभावना, राज्य में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने यूजर्स को दिया तोहफा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एशिया कप और वर्ल्ड कप मैचों को फ्री लाइव स्ट्रीम करने का लिया फैसला। शाहिद कपूर की नई फिल्म ब्लडी डैडी को ओटीटी पर मुफ्त में रिलीज होने पर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने उठाए सवाल, ट्विटर हैंडल पर लिखा, क्यों कोई 200 करोड़ रुपए की फिल्म को मुफ्त में दिखाए।